आवर और टाइम जो है वो 5 मिनट जो है लेट चल रहा है। 5 मिनट ना, 4 बज के फ्लैग के बारे में इंडियन फ्लैग लगाए तो मुझसे पहले भी 8 लड़कों ने उसको लगाने की कोशिश करी। बॉयज ये है पिक्चर गैलरी सामने जस्ट। मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को एक बार आइए थोड़ा सा नवाबी। इमेजिन करिए यहाँ पे चेयर पड़ी है, सामने आपके ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है और आप यहाँ पे बैठे हैं और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बेसिकली क्लॉक टावर एंड पिक्चर गैलरी, तो चलते हैं एंड ब्लॉग को वहीं पे एंजॉयफुल बनाते हैं। और ब्लॉग जो है घर से स्टार्ट नहीं किया तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रीच है, डेस्टिनेशन जस्ट पीछे है अपने, और चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये भाई साहब की पतंग कट गई है, बहुत ही दुखी आदमी है ये नीले लोअर वाले, और इनकी पतंग कट के गिरी है भी जस्ट यहाँ पे, वो गिरी पानी में। ये चलता है कि नहीं, बंद हो गया? सो ये वाला रात के टाइम चलता है, किस टाइम? 7-8 बजे की तरफ। अच्छा, शाम में चलता है यानी। ऑलराइट बॉयज, तो ये खड़ी अपनी बाइक और फिलहाल हम लोग को भूख लगी थी तो ये पिज़्ज़ा पॉइंट पड़ता है जस्ट, ये पिक्चर गैलरी है इसके जस्ट बगल में, इधर से आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है। हम लोग फिलहाल एक पिज़्ज़ा बनवा रहे हैं खाने के लिए, बिकॉज घर से निकले थे कुछ खाया नहीं गया था, भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पिज़्ज़ा। इंडिया यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है तो आपको दिखाते हैं। जैसे ये गार्ड साहब हमारे, ये खुद ही पतंग उड़ाने में बिजी हैं, और ये है क्लॉक टावर के जस्ट पीछे वाली साइड, तो अभी हम लोग फिलहाल वहाँ पर हम लोगों को जाना है। एंड कुछ फॉरनर्स भी आए हैं यहाँ पे तो ऐसा केयरिंग करते हैं। देखिए आप, गार्ड जब ये हालत है पतंग वतंग उड़ा रहे हैं तो क्या ही हो सकता है इंडिया का। बॉयज तो पिज़्ज़ा आ चुका है अपना, ये देख चेक करिए पिज़्ज़ा जो है वो आ चुका है यहाँ पे, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो आ चुका है, तो फिलहाल ये रखा सॉस और खाएंगे हम लोग। टेक्नो भाई अपनी ब्लॉगिंग में जुटे हैं, इनको भी सपोर्ट करिए, दबा के लाइक दीजिए इनको। ये रहा पिज़्ज़ा, ये रही शॉप, और ये है बनाने वाले हमारे बंदे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? साहिल अब्बास। और इन्होंने ऊपर नेशनल फ्लैग लगाया घंटाघर को पे, अभी आपको दिखाते हैं। भाई बताइए क्या कह रहे थे आप? तो भाई जैसे आपने भी देखा था, हाँ, फ्लैग के बारे में, इंडियन फ्लैग लगाए तो मुझसे पहले भी 8 लड़कों ने उसको लगाने की कोशिश करी पर नाकाम रहे, नहीं लगा पाए क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई ज़्यादा थी। पार्षद ने आपको बताया था मतलब लगाने के लिए हायर किया था? पार्षद है फैसल नवाब का जी, मैंने कहा कि जो लगाएगा उसको मैं 1500 रुपये इनाम मिलेगा। 1500 रुपये जी। तो आपने सक्सेसफुल लगाया, कितना दिन हो गया उसको लगाए? उसको लगाए हुए मुझे 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया होगा। चल पिज़्ज़ा हम लोगों ने खा लिया, बढ़िया, एक नंबर लगाया, बहुत 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 मस्त टेस्ट है। क्या नाम है दुकान का आपका? पिज़्ज़ा मीनिया। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लॉक टावर आते हैं तो रिकमेंड करूँगा मैं आके यहाँ पर टेस्ट करें एक बार। सामने आबाद बेस्ट सनसेट पॉइंट इन लखनऊ, जहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं बैठ के सीढ़ियों पर। ऑलराइट, तो ये है क्लॉक टावर और टाइम जो है वो 5 मिनट जो है लेट चल रहा है। 5 मिनट ना, 4 बज के 16 मिनट हो गया, एंड इसमें 4 बज के 10 मिनट हुआ है, 17 मिनट हो गया आई गेस। तो ये है पास में, पता नहीं किसी ने कैंप वैम्प लगा रखे हैं, पता नहीं क्या सीन है इसका। अभी और करीब चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी चल रही है, तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो करने के लिए वो कर सकता है आके यहाँ पे। राइट गाइज, ये देखिए कंडीशन यहाँ के लखनऊ की, तो जो भी जन ऐसा हालात हैं तो ट्वीट मैं करूँगा बेसिकली सब इन सब प्लेसों का, जो गंदी फंदी पड़ी है रीट्वीट कर दीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए क्लॉक टावर के जस्ट सामने हम लोग आए हैं, ओपन एरिया है, जिम बनी हुई यहाँ पे, शोर और शराबा इस वजह से हो रहा है बिकॉज यहाँ पे विकेट गिर गया है, तो यहाँ पे क्रिकेट विकेट भी खेला जाता है। एंड जो सामने कुछ अपनी बिल्डिंग उस पर किसी ने नाम वाम डाल रखा है, इवन वहाँ पर आप देखेंगे जूम करके मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर भी किसी ने अपना नाम डाल के रखा, तो सब पुरानी जो बिल्डिंग है और सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। साइड बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आगे चलते हैं ना, आगे चल के हम लोग पिक्चर गैलरी के अंदर टिकट लेके दिखाते हैं। बॉयज़ ये है पिक्चर गैलरी सामने जस्ट, और ये देखिए सब लोग आ रहे हैं, यहाँ से जस्ट सामने दिखता है क्लॉक टावर, और चलते हैं अंदर एंड अंदर से देखते हैं क्या विंडो से दिखता है बाहर का नज़ारे। दर्जी साहब ने घर भी अपना रेंट आउट करके रखा है, देखिए यहाँ पे मकान बना के रखे हैं सब, पता नहीं क्या कंडीशन में है फिलहाल। पिक्चर गैलरी के अंदर हम लोग चल रहे हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, रोड से इवन गाड़ियाँ तक आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं अपनी व्हीकल। ये है स्टेयर्स से आपको ऊपर जाना पड़ेगा,
पिक्चर गैलरी का, और ईंटे वीटे ऊपर देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। पूछताछ केंद्र आपको सामने दिख रहा है तो हाय 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 क्या सही नज़ारे यहाँ से बाहर के। टिकट का प्राइस 20 रुपये है ना, इन्हीं की परंपरा बरकरार है। क्या इनके में क्या सीन है? फट गई। बॉयज़ तो ये पिक्चर गली के अंदर का सीन है। टेक्नो भाई यहाँ से रहे, वीडियो शूट करने नहीं दिया गया। बताया वीडियो शूट तो छोड़ो, भाई ने बहुत सीक्रेट तरह से एक चीज आप लोगों के लिए स्पेशली एकदम निकाली है क्लिप, वो आपको देखने को ऑलरेडी मिल चुकी होंगी, और साउंड, और वो देखिए कुछ लोग देख के यहाँ से जा भी चुके हैं। तो ये है पिक्चर गैलरी, पिक्चर गैलरी के ऊपर बैठे हैं, पीछे ये नज़ारे हैं, चेयर वगैरह सब पड़ी हुई है ऑलरेडी, और ऐसे कुछ हैं नज़ारे, और बस यही सीन है। और अंदर फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना, एकदम नवाबों वाला फील आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, एक बार आइए, थोड़ा सा नवाबी वाला शौक पालिए और नवाबों की तरह यहाँ पर आके बैठिए, और जो खूबसूरत सनसेट हो रहा है बैक साइड पे वो चेक करिए एक बार। ये चेक करिए सामने, एकदम प्यारे प्यारी सी पुरानी पुरानी मीनार हैं, और यहाँ से बैठ के आप जो सनसेट इन्जॉय करेंगे नेक्स्ट लेवल, चाहे आप वहाँ स्टेयर से बैठ के सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेयर पड़ी है सामने आपके, ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, और आप यहाँ पे बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्या ही नेक्स्ट लेवल नज़ारे आने वाले हैं। लगभग शाम के टाइम 6:30 बजे की तरफ ये वाटर शो भी चलता है, तो आप लोग आएंगे तो वाटर शो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और नज़ारे नेक्स्ट लेवल हैं, सूरज अच्छा है, और सनसेट तो लवर हैं हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एंड ये चेक करिए गाइस, ऑल राइट, तो ये लिया गया है पिक्चर गैलरी के बाहर खाने के लिए, और यहाँ पे कुत्ता अपना अलग इन्जॉय कर रहे हैं। हॉर्स राइडिंग होती है, आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, और जो पुराना ओल्ड ज़माने में मुगल जनरल जो नहीं घोड़े गाड़ी से चलते थे वो भी होता है यहाँ पे, उसका कुछ प्राइस वाइज का कुछ अंदाज़ा नहीं है फिलहाल, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं सनसेट की तरफ, डो कटिंग चाय की व्यवस्था कर रहे हैं भाई। सनसेट हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर में शो चालू होने वाला है। इधर 5:30 या 6 कैमरे जो होता है भाई, 6 बजे ना। ब्लैक चाय है क्या? अरे वाह, ये देखिए सो चाय स्टार्ट हो चुका है, सनसेट भी ऑलमोस्ट हो रहा है। ये गरम गरम चाय मसाला वाली काफ़ी नेक्स्ट लेवल, जितना सोचे नहीं तो उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, स्पेशली ये चाय। क्या बोलते हैं भाई साहब? बहुत मस्त, अब जा रहा हूँ आगे देखने। तो शो है वो स्टार्ट हो चुका है, अरेबी स्टार्टिंग हो रही है, और वाजिद अली शाह जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं हमारे सामने। अभी कैंपिंग स्टार्ट होने में लगभग 1 घंटा नहीं 1 दिन 4 घंटे और 12 मिनट लग चुका है, लगभग 1 दिन बाद ये कैंपेन हम लोगों को मिल पाया। फाउंटेन स्टार्ट हो चुका है, देखिए एंजॉय करिए। हाय क्या लग रहा है शानदार। अभी भीड़ कुछ है नहीं, लेकिन शो चल रहा है, डेली चलता है शाम के टाइम 6 बजे स्टार्ट होता है, 6:30 आधे घंटे तक ये शो चलता है।